नमस्कार दोस्तों, ये है डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ 8th ऑफ मार्च। देख लेते पहला न्यूज है यहाँ पे दोस्तों, सुखद यात्रा एप्लीकेशन के बारे में। ये एक एप्लीकेशन है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है और कहा जा रहा है दैट इससे हाईवे यूजर्स जो है वो आपस में इम्पावर होंगे। इम्पावर इन द सेंस क्या, ये आपको एक तो अगर आप ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो आपको रियल टाइम डेटा अवेलेबल होगा डिफरेंट हाईवे के रिसोर्सेज के बारे में। साथ ही साथ एक उसके कुछ कुछ की फीचर्स है वो देख लीजिए। जैसे की फीचर्स क्या है, जैसे कि आप सोचिए हाईवे में जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया बड़ा सा पॉट होल है और आपको लग गया दैट हाँ भैया रात को अगर कोई गाड़ी चलेगी तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो आपने उस पॉट होल के बारे में रजिस्टर कर दिया इस सुखद यात्रा ऐप के बारे में, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कहा जा रहा है दैट अगले दिन ही मरम्मत हो जाएगा। साथ ही साथ सोचिए अगर आपने कहीं पर आगे में जाकर बहुत बड़ा एक्सीडेंट देख लिया, ठीक है, और गाड़ी में आप अकेले जा रहे हो, आप अपने गाड़ी में और इस गाड़ी में तीन चार जने हैं, बहुत गंभीर एक्सीडेंट है, ऐसा एक्सीडेंट है तो आपको आपके लिए अकेले इनको रेस्क्यू करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बीच हाईवे में, तो आप क्या करोगे ना उस सुखद यात्रा ऐप के तहत आपने सीधा कॉन्टैक्ट करना है और उस रिपोर्ट कर देना है उस एक्सीडेंट को, तो जल्दी से जल्दी यू नो पुलिस या फिर एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ फीचर्स है। साथ ही साथ लिखा हुआ है दैट ऐप कैन ऑल्सो बी यूज बाई यूजर्स टू परचेज द फास्टैग। देखिए फास्टैग क्या होता है ना, बेसिकली गाड़ी के आगे शीशे में कुछ एक लगा हुआ रहता है, एक बार कोड टाइप्स, ठीक है, वो ना RFID टेक्नोलॉजी से काम करता है ना। RFID मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, ठीक है, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक के तहत काम करता है, जिससे क्या आप जो बड़े बड़े टोल प्लाजाज नहीं होते वहाँ पर बहुत सारे गाड़ियों की कतार लगी हुई रहती है, ठीक है, तो उससे एक तो फ्यूल खत्म होता है ना, ऊपर से टाइम भी लोगों का खत्म होता है। पर RFID से क्या होता है ना, आपके अगर गाड़ी के अगर RFID लगा है तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आप चलते रहोगे है ना, ऑटोमेटिकली वो उस मतलब आपके RFID में जो पैसे भरे हुए हैं तो उससे ऑटोमेटिकली कट जाता है पैसा, ठीक है, वो सरकार काट लेती है, मतलब ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो काट लेगी, ठीक है। तो वही हुआ फास्टैग टेक्नोलॉजी को भी आप जो है फास्टैग में जो पैसे है उसमें डायरेक्ट यहाँ से भी रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतने सारे एप्लीकेशंस के फायदे है सुखद यात्रा ऐप के। नेक्स्ट है दोस्तों गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल सबमरीन केबल के बारे में। एक्चुअली इंडिया की जो मेजर टेलीकॉम है दैट भारतीय एयरटेल, तो उन्होंने एक्वायर कर लिया इस गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल सबमरीन केबल को और कहा जा रहा है दैट इससे एयरटेल भारतीय एयरटेल का भी तो डेटा कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, और सिर्फ भारतीय एयरटेल का ही नहीं उनका भी, दैट इज़ गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल सबमरीन केबल का भी। ये एक प्राइवेट बेसिकली सबमरीन केबल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मरीन के भीतर केबल है और ये डिफरेंट अरब कंट्रीज से जुड़ी हुई है, देख रहे हैं ना, सब कुछ अरब कंट्रीज से ये कनेक्टेड है। और अगर कहा जा रहा है दैट इंडिया की भारतीय एयरटेल क्योंकि इनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है तो दोनों का डेटा कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होगा, और इसी के बारे में लिखा हुआ दैट गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल जो है ये एक प्राइवेट सबमरीन केबल है एंड इट इज़ कनेक्टिंग द गल्फ कंट्रीज टुगेदर विद एंड प्रोवाइडिंग ऑनवर्ड कनेक्टिविटी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्योंकि दोनों अगर मिल जाएंगे तो कहा जा रहा है दोनों वर्ल्ड के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से इन्हें यू नो कनेक्ट हो सकते हैं और दोनों का बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। सबमरीन केबल्स आर कंसिडर्ड बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, आप जो इंटरनेट अभी यूज़ कर रहे हैं, आप जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं यू नो ये YouTube.com से देख रहे हैं, है ना, YouTube.com से, और ये कॉम मतलब ये दुनिया वाला कुछ होता है, इसका फुल फॉर्म मुझे खुद ही नहीं पता, बट एक कॉम होता है, एक डॉट इन होता है, डॉट इन वाला मतलब इंडिया के भीतर ही चलता है वो, है ना, और डॉट कॉम वाला मतलब यू नो दुनिया के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली US की कंपनी है, तो ये जो डेटा के जो लिंक्स आते हैं ना, जो कनेक्टिविटी जो है ना, वो कहीं ना कहीं सबमरीन केबल्स के द्वारा भी हो रहा है, ठीक है, उसी लिए जो है आप ये डॉट कॉम सर्विसेज काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि कहा जा रहा है दैट ये गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल का जो सबमरीन केबल है ये उनका प्राइवेट केबल है और यू नो ये हमारी भारतीय एयरटेल भी जो है ये भी अपनी प्राइवेट कंपनी है, तो दोनों प्राइवेट मिलकर अपना बिजनेस यू नो मतलब अपना फुटप्रिंट दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, है ना, और ग्लोबल अपने प्रेजेंस ग्लोबल नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, रेयर मिनरल इज डिस्कवर्ड इन प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा पहली बार हुआ है दैट एक रेयर जो मिनरल है जिसका नाम है वट्टी राइट, ध्यान दीजिएगा, तो इसको बेसिकली डिस्कवर किया गया है, ठीक है, और इसको डिस्कवर किया गया है एक अल्पाइन प्लांट के पत्तों में, ठीक है। देखिए प्रोटेक्टिव सिल्वर वाइट क्रस्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं,
बेसिकली ये फाइन किया गया है और इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस क्या है देखिए, पहले तो ये देख लेते हैं दैट वेटराइट यूजुअली फाउंड ऐसे नहीं किया जाता है, कुछ कुछ जगह फाउंड किया जाता है जैसे बर्ड्स के एग में, मेटियोराइट्स या फिर रॉक्स, है ना, तो ये सब में फाउंड किया जाता है। बट क्योंकि इस बार कहा जा रहा है दैट अल्पाइन प्लांट्स में फाउंड किया गया, तो काफ़ी ज़्यादा इसके एप्लीकेंट यूजेस जो है हम लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे इसकी अप्लीकेशन क्या क्या है, यूजेजेस क्या क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टीज है इसमें जिसके तहत ये पोटेंशियली सुपीरियर करियर फॉर मेडिकेशन हो जाता है, क्योंकि इसकी मतलब टारगेटेड रीच बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाई लोडिंग कैपेसिटी है, हायर अपटेक बाई सेल्स है, मतलब इसके फीचर्स है, एंड सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस्ड है। तो इसके तहत इसको थेरोपेटिक मेडिसिन फॉर पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से हम यूज़ किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले न्यूज़ में। नेक्स्ट एक बेसिकली सर्वे किया गया था, उसके तहत कुछ रैंकिंग लाई गई है। तो ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की सर्वे था जिसके तहत ASQ 2017 रैंकिंग निकाला गया है। तो इसके तहत बोला गया है दैट इंडिया की दिल्ली की जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों, ये वर्ल्ड नंबर वन है अमंग एयरपोर्ट दैट इज हैंडलिंग मोर देन 40 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम, ठीक है। तो ये तो दिल्ली वाली इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, और मुंबई की जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट हैज बिन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस देखा जाए तो मुंबई का मतलब छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द बेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं, एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एक ट्रेड एसोसिएशन है जो 1953 मेंबर एयरपोर्ट्स है जिसकी, और 176 कंट्रीज में बेसिकली ये इसकी मेंबरशिप है। एंड एज अ पार्ट ऑफ द सर्वे ऑन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी व्यूज ऑफ पैसेंजर्स ऑन 34 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर मेजर, मतलब पैसेंजर्स के व्यूज लिए जाते हैं 34 की इंडिकेटर्स के द्वारा, और उसकी इंडिकेटर्स के द्वारा फाइनल डिफरेंट रिजल्ट्स लाते हैं, ठीक है। और इसी में दो रिजल्ट्स ये है जो कि हमारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव में थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं काम का है, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्रिंट इनिशिएटिव, इम्प्रिंट इंडिया प्रोग्राम, इनफैक्ट इसका सेकंड फेज चल रहा है, और उसका सेकंड फेज को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली सम ऑफ ₹1000 करोड़ एलोकेट कर दिया है इस इम्प्रिंट दैट इज इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडिया प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ये है क्या इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक पैन IIT एंड पैन IISc ज्वाइंट कोलाबोरेशन है, मतलब IITs और IISc के जो कॉलेजेस हैं वो कोलाबोरेट करेगी, जिसके तहत अभी जो हमारे सोसाइटी में जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको जिसका निपटारा नहीं मिला, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका इस टाइप के छोटे छोटे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ जिसका हम ठीक से निपटारा नहीं मिल पा रहा है, तो ये IITs और IISc के कॉलेजेस जो है आपस में आकर एक ब्लूप्रिंट निकालेगी और उसके तहत रिसर्च एक्टिविटीज कैरी आउट करेगी जिससे सोसाइटी में जो है कुछ इनोवेशन लाया जाए, और वैसे इनोवेशन जो क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उस टाइप से क्या होगा ना, वैसी टाइप के अगर छोटी मोटी इनोवेशन लाए जाएंगे तो कहा जा रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन दैट सोसाइटी विल इंक्रीज्ड, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे देखिए ये इम्प्रिंट प्रोग्राम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कोर्स बना रहा हूँ इनफैक्ट, इस कोर्स में क्या करूँगा ना, डिफरेंट जो स्कीम्स हैं तो वो स्कीम्स जैसे सोचिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जितने सारे एक साल में जितने सारे स्कीम्स आए थे उस सारे स्कीम्स को मैं एक लेसन में बना दूंगा, ठीक है। तो बताइएगा, आप रिस्पॉन्स दीजिएगा, मैं आपको लिंक मतलब जब बनाऊंगा तो आपको बोल दूंगा एनीवेज, ठीक है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग होता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का अलग होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के कुछ कुछ और बहुत सारे हमारे क्या बोलते हैं स्कीम्स थे जो कि मैंने अलग अलग स्टैक करके सजाया हुआ है, ठीक है। और वो इसलिए मैं सजा पाया हूँ जिससे आपको तो पता ही है दैट यार एक साल से तो बना रहा हूँ लास्ट, ठीक है, तो इतने तो सारे रिजर्व हो ही गए हैं यार, ठीक है। और बाई चांस सोचिए फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैंने 10 करवा दिया, ठीक है, तो 10 स्कीम करवा है, बाई चांस एक दो छूट भी गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको मैं बाद में कवर करवा लूंगा, है ना। तो मैं वैसे कर रहा हूँ इसके बारे में, आपको खाली बताइएगा आपको चाहिए क्या नहीं इस टाइप का, ठीक है। तो एनीवेज मैं देखूंगा। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन के बारे में, ठीक है। एक्चुअली यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से पूछा है दैट आप ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन का जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, और तब तक आप इम्पोर्ट नहीं कीजिएगा जब तक रेगुलेटर ऑफ ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से आपको परमिशन नहीं मिल जाता, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आए भी हुए प्रीलिम्स में, इसलिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ उसके बारे में दो लाइन।
जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एक एपेक्स बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. इसका ये क्या काम करती है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल जो क्या रिलेट करता है टू रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट्स इन टू द इन्वायरमेंट. ठीक है, सो ये है जी एम सोयाबीन के बारे में न्यूज. नेक्स्ट है ई एन टी टी ई सी एच, है ना, 2018. ये बेसिकली इंडिया का बिगेस्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेल सर्विस मार्केट है जो क्या इनॉग्रेट किया गया मुंबई में. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं. दैट देखिए, जैसे पता चल गया होगा आपको, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज जो क्या इंडिया में अगर देखिएगा, क्योंकि इंडिया का बॉलीवुड सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है. इनफैक्ट दिखा देखिए, डेटा भी दिया हुआ है दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द नंबर ऑफ फिल्म प्रोड्यूस्ड. हमारा बॉलीवुड सेक्टर तो ज़्यादा ही है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा फिल्म इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है ना. एंड इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट टेलीविजन मार्केट एज वेल हमारा इंडिया. ठीक है, तो इसके सेक्टर में अगर इस टाइप के इवेंट जैसे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट मार्केट दैट इज ई एन टी टी एस ई एच, इस टाइप के इवेंट्स अगर क्रिएट किया जाए तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है डिफरेंट दूसरे देशों के कंट्रीज के यू नो इस इंडस्ट्री से जो जो दूर है, तो वो इस टाइप के प्लेटफॉर्म में आ सकता है और इंडिया के साथ फ्यूचर में कोऑर्डिनेट कर सकता है. साथ ही साथ हमारे इन यंगस्टर्स को जो है उनको भी एक एनवायरनमेंट एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिससे क्या वो इस एंटरटेनमेंट बिजनेस के सेक्टर में अपना किस्मत आजमा सकता है. और जैसा कि आपको पता है दैट सरकार का यू नो एम ही है दैट एंटरप्रेन्योर्स को पैदा करना. ठीक है, तो ये एक सेक्टर है जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप अच्छे से पैदा हो सकती है. ठीक है, तो वैसे तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जैसे SCPC, MEAI, उसके बाद TVAGA एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स. मतलब इसके फुल फॉर्म देख लीजिए यार जो लिखा हुआ है. ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना. मेन जो इंपॉर्टेंट है ना, ये डायरेक्ट पूछ सकता है आपको ENTTECH 2018 क्या है ना, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे. बार बार बता रहा हूँ क्योंकि टेक है ना, तो टेक आपको लगेगा दैट कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड होगा, है ना. टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो है ही, बट यू नो ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सर्विस के बारे में है बेसिकली. ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से देख लीजिएगा, ये सब नोट्स कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए. नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में. एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ऑल 650 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांचेस विल बी ओपन्ड बाई अप्रैल 2018, ऐसा न्यूज़ में था. तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है. ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कैंडर आती है, जिसके जिसका 100% भागीदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इक्विटी. ठीक है, एंड ये क्या क्या सर्विस ऑफर करती है, ये बेसिकली डिमांड डिपॉजिट्स सच एज सेविंग एंड करंट अकाउंट को यू नो ऑफर करती है. एंड आप इसके तहत 1,00,000 रुपया जो है सेविंग में रख सकते हो. ठीक है, ये कुछ कुछ कंडीशंस है ना. डिजिटली इनेबल्ड पेमेंट एंड रेमिटांस सर्विसेज भी आप इसके आप अगर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना खाता खोले हो तो इसका लुफ्त उठा सकते हो. इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विस. जी हाँ दोस्तों, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विस जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पेंशन, क्रेडिट प्रोडक्ट, फॉरेक्स रिजर्व्स एंड डिफरेंट अदर थिंग्स इन आप कैरी आउट कर सकते हो इन पार्टनरशिप विद इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड हाउस, पेंशन प्रोवाइडर्स एंड बैंक एक्सेट्रा. ठीक है, तो थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विस भी ये प्रोवाइड करती है, ये जस्ट आपको याद रखना. ये तो जस्ट डिस्क्रिप्शन था नीचे के 3 लाइन, है ना. तो ये थोड़ा मोड़ा फैक्चुअल चीज़ें याद कर लीजिएगा. और हाँ, इकोनॉमिक सर्वे अगर नहीं देखा तो बार बार देख लीजिए यार, प्रीलिम्स से एक बार आ रहा है 10 क्वेश्चन तो गारंटी फंसेगा, और इस वॉल्यूम से ही वॉल्यूम 1 जो मैंने करवाया उसी से फंस जाएगा. अगर नहीं देखा तो पछताओगे बाद में. नेक्स्ट इज मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन के बारे में भी, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे लिंक दिया हुआ है सबका, वो देख लीजिए. दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी गाइस. थैंक यू वेरी मच.